स्पोर्ट्स गुलिस्तान स्पोर्ट्स नेटवर्क में आप सभी का इस्ते है आज हम आपको कश्मीर के डल जी लिए चलेंगे जहां पर आप माइनस टेम्परेचर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को देख पाएंगे थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखा दूं ये जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है यहां पर इक्विपमेंट रखा जाता है और इक्विपमेंट को अब उस स्टैंडार्ड का है जो आपको ओलंपिक्स और यूरोपियन गेम्स में नजर आती है उस लेवल का इक्विपमेंट हमारे पास है और हमारे पास जदीद मशीनें पहुंच चुकी है जिससे माइनस टेम्परेचर में प्लस कन्वर्ट करने के लिए एक खिलाड़ी को थोड़ा सा फिटनेस बेहतर रखने के लिए पहले उस टेबल से गुजरना होगा और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि माइनस टेम्परेचर में ढल झील के इस कॉर्नर पॉइंट पे खिलाड़ी जो है वो किस तरह से अपना खेल पेश करेंगे आज के इस प्रास्त प्रोग्राम में आपको मिलाएंगे वाटर स्पोर्ट्स की क्वीन बिल्किस मीर से और वो आपको दिखाएंगे जो हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट आया हुआ है वाटर स्पोर्ट्स के लिए उसको टेक्निकी तौर पर क्या कहते हैं और उसका इस्तेमाल जो है वो आप किस तरह से करते हैं और माइनस टेम्परेचर में आप पानी में खेल खेलेंगे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बर्फ इस साल बहुत पड़ी और जब हम इस वक्त इस पटरी से चल रहे हैं इसमें भी बर्फ है बड़ा एहतियात करके चल रहे हैं लेकिन आपका ड्रेस कोड आपका टेम्परेचर और आपका बाकी बॉडी को वार्म रखने के लिए आपको किस किस्म की ज़रूरत हैं और सरकार ने क्या कुछ कर रखा है उस इंतज़ाम को आपको मुकम्मल तौर पर पहुँचाएँगे और उसके बाद आप देख पाएंगे ये जो खिलाड़ी है ये इस कॉर्नर पॉइंट से निकल कर बड़े डल झील की तरफ जा रहे हैं उस बड़े डल झील की तरफ जहाँ पर अमूमन शिकारा हाउस बोट और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देख पाएंगे लेकिन अब ये खिलाड़ी जो हैं ये वहाँ से वापस आएंगे और माइनस टेम्परेचर में अपनी ट्रेनिंग अपनी तरबियत और अपना सब कुछ इस सर्दियों में दवा पे लगाते हैं क्योंकि इन्हें अगले दस महीने के लिए फ़िट रहना है और अगले दस महीने में बड़े वर्ल्ड लेवल के जो टूर्नामेंट्स होंगे वो यहाँ पर मुनद कराए जा रहे हैं जिसके लिए तरबियत और उसके बाद काउंसिल आपकी तरफ़ आना चाहेंगे आप थोड़ा सा इस तरफ आइएगा आपकी तरफ आना चाहेंगे आप अपने बारे में बताएं मेरा नाम है सुजात अहमद मैं जे के वाटर स्पोर्ट्स का एक प्लेयर हूं मैंने बहुत सारे नेशनल खेले अभी हमारा प्रैक्टिस होने वाली है क्योंकि हमारा अभी नेशनल आने वाला है जो चंडीगढ़ में है ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी एट में अगले महीने वो होने वाला इसलिए हम प्रैक्टिस इस कर रहे हैं इस माइनस टेम्परेचर में मुझे बताओ कि माइनस टेम्परेचर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कश्मीर में कहते हैं कि सर्दियों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है तो आप किस तरह से इस टेम्परीचर को कवर कर पाते हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो है आ, अभी आ, आने वाला है नेशनल इसलिए हम अभी प्रैक्टिस कर अभी नए इक्ुपमेंट्स आए हैं जैसे कि एग्रोमीटर आए हैं फॉरन इक्ुपमेंट्स आए क्योंकि हम भी अभी वही इस्तेमाल कर रहे हैं अब क्या कि क्योंकि ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करना है क्योंकि अभी आने वाला है नेशनल इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आप थोड़ा सा आगे आए दूसरे खिलाड़ी से आपको मिलवाते हैं आज हम वाटर स्पोर्ट्स की ही बात करेंगे और थोड़ी देर बाद आपको बिल्किस मीर बताएंगे कि किस तरह से वाटर स्पोर्ट्स के चैलेंज अपने बारे में बताएगा जी मेरा नाम है इमरान हुसैन मैं वाटर स्पोर्ट्स का इंग का प्लेयर हूँ कि हमारे पास पहले ओल्ड मॉडल बोर्ड थे जो भी हमारे पास न्यू मॉडल आ गए थे जो उसकी जो वजह से न्यू मैडम की वजह से आया था और जो हमारा प्रजेंटे उसने लाया था हमारे बोर्ड और हमारा जो नेशनल आने वाला है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं जो हमारा नेशनल है वो चंडीगढ़ में है ड्रैगन बोर्ड का और सिपरेट का भी इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस विंटर में अभी सर्दी का मौसम है आप खुद देख सकते हो कि, कि अभी कितना बर्फ़ गिर गिर गया और कितना जम गया लेक इसे... मुझे बता इस माइनस टेम्परेचर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चंडीगढ़ में नेशनल होना है क्या आप मुश्किल अभी फेस कर रहे हैं या, या अब आप इसके आदि हो चुके हैं ये भी हमें आदि हो गया तो फेस भी करना चाहिए और सर्दी की वजह से हम फेस भी करते हैं मगर प्रैक्टिस तो करना चाहिए ये तो कहावत है कि प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट एक प्लेयर को प्रैक्टिस करनी चाहिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आगे आइए मिलवाते हैं आपको छोटे प्लेयर से ये नन्ना मुन्ना से छोटा सा बच्चा जो है ये भी वाटर स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाना चाहता है और देख पाएंगे आपकी छिठर थी सर्दियों में माइनस टेम्परेचर में तकरीबन जो टेम्परेचर माइनस की ओर है सात के आसपास है उसके बावजूद भी ये प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं और आपने रिवायती तौर पर जो आपका मास्क का इस्तेमाल है उसको बिल्कुल ढंग से रखा है टोपी का इस्तेमाल है अपने बारे में अपना नाम बताएँ आप सोफी सोफी साहब रहते हैं आप मैं नेहरू पार्क में रहता हूँ मुझे बताओ ये जो माइनस टेम्परेचर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको कितना चैलेंज लग रहा है मुझे बो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं माइनस टेम्परेचर में और मुझे ठंड कुछ नहीं लगती है या ठंड लगती है आपको महसूस नहीं होते क्योंकि आप खेलना चाहते हैं नहीं जो खिलाड़ी होता है उसका अगर ठंड कुछ नहीं बिगाड़ सकती मुझे बताओ नई मशीनरी आपके पास आई आएमीटर वगैरह आपके पास है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा तो कर पाते हैं आप रोजाना कोचिंग वगैरह लेते हैं हाँ, हाँ। मैम आपको सिखाती तो कितना हेल्पफुल हुआ बहुत मुझे बताओ कि आपका जो अगला निशाना है प्रोग्राम का वो किस तरह से होगा फ्यूचर प्लान आपका मैच वगैरह कब है क्या है वो जो हम हाँ साल प्लेयर है हमें है बहुत बहुत शुक्रिया ये कम उम्र के खिलाड़ी हैं लेकिन हौसले बहुत ऊंचे हैं और इनका भी मानना है कि खिलाड़ी तभी बन सकता है जब खिलाड़ी में वो हिम्मत हो अब सीधे चलते हैं बिलकिसमीर को ज्वाइन करते हैं बिलकिसमीर आप आइएगा थोड़ा सा आगे और आपसे बात करेंगे उसके बाद खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए मुझे बताओ एक छोटा सा ख्वाब आपने देखा और ख्वाब बहुत कम पूरे हो जाते हैं क्या आप मानते हैं कि आप काफ़ी लकी हैं आपने जो ख्वाब आज से पंद्रह साल पहले देखा था और उस ख्वाब को आपने हकीकत में सामने पाया थैंक यू सर बिल्कुल uh, अगर देखा जाएगा 21 साल पहले आई वॉज ओनली सिक्स इयर ओल्ड मैन आई स्टार्ट माई पार्डलिंग के और इसी सेंटर से हुई तो आज सच्ची में वो सपना मेरा पूरा हुआ कि जिस जहाँ से मेरी शुरुआत हुई वो कंट्री का बेस्ट सेंटर आज के तारीख में है आपने देखा सर अगर 98 की बात करेंगे और आज की बात करेंगे आप देख लीजिए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नेहरू पार्क में जो इक्विपमेंट है जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कर दिया ये फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है लाइक like, जो हमारे पास इक्विपमेंट आया वो वर्ल्ड चैम्पियनशप ओलंपिक और एशियन जैसे इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं सम विंटर्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि हम आ, पानी में नहीं जा पाते थे बट हमें स्ट्रेंथ डेवलप करना एंडोरेंस डेवलप करना और टेक्निक को सुधारना खिलाड़ी को तो उसके लिए आप देख लीजिए कि हमारे पास आज अर्गोमीटर मशीन्स है जो पूरा मेजर करती है कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को उसकी टेक्निक को उसकी एंडोरेंस को तो मैं गवर्नमेंट का तह दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने जम्मू जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का और खास और हमारे प्रेसिडेंट सर नवीन कुमार चौधरी सर ने जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया वाटर स्पोर्ट्स को और आज आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के पास वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है अब हम नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर सकते हैं मुझे पर... बताएं है कि ये जो इक्विपमेंट वगैरह आपने की बात की आपके बा, बाकी इक्विपमेंट्स भी आए हैं इसका ट्रेनिंग आपने प्रोफेशनली पहले हासिल किया होगा तब जाके बाकी जो आपके खिलाड़ी वगैरह जूनियर खिलाड़ी हैं उनको सिखा पाएंगे कि हाँ इन्होंने अब थोड़ा सा नेट का भी इस्तेमाल करके इन चीज़ों को सीख रहे हैं नहीं सर आपको पता है कि मैं आ, सिमल वाइज यूनिवर्सिटी की टॉपर स्टूडेंट है मैंने जो कोर्स किया है स्मल वाइज़ यूनिवर्सिटी में जिसके लिए मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया वर्ल्ड की नंबर वन यूनिवर्सिटी है आई वॉज लक्की कि मैं वहाँ पर ट्रेन हुई जहाँ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ट्रेन होते हैं तो वहाँ का जो सेटअप मैंने देखा था दो तो में आज वही सेटअप हमारे पास है आज वही इक्विपमेंट हमारे पास है एंड वी पीपल हैचुरलोर्स बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर खासकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे अगर पूरे कंट्री में देखा जाएगा जम्मू कश्मीर लीड कर सकता है दो स्पोर्ट्स में वन इज़ वाटर स्पोर्ट्स वन इज विंटर स्पोर्ट्स क्योंकि नेचुरली अगर देखो सब बरफ, कुछ बर्फ है पानी है और बाकी स्टेट्स को देख कर अगर देखा जाएगा हम यहाँ से ओलंपियंस निकाल सकते इन दो स्पोर्ट्स में हम आगे चलते हैं आगे चलते हैं क्योंकि आपको आ, उस तरफ का समत जो है वो दिखाएंगे कि डल झील बहुत खामोश है और शिकार हाउस बोट जो हैं वो इस पर चल रहे हैं आप थोड़ा सा इस तरफ आएगा हम उस तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं ताकि उस तरफ की जो तस्वीरें हैं वो मुल्क भर तक पहुँच जाएंगी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर मुझे बताएं कि ये जो कोचिंग के लिए जो लड़के आए हैं जिनके एडमिशन नए हुए हैं उनका क्या uh, क्या सिस्टम है एडमिशन एडमिशन व्हाट इज द वे ऑफ हैविंग दिस क्लासेस और उनके कैसे सर जे एंड के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का ये सेंटर जो हमने बनाया है इसमें कोई भी बच्चा आ सकता है और हमारा जो स्ट्रेटजी है हम जो प्लान कर रहे हैं पाँच साल के बच्चों को ले रहे हैं और उनका बाजा प्रोफेशनल वे में प्लानिंग कर रहे हैं उनका एक बाजा जैसे एक बच्चे का सिलेबस बनता है वैसे ही इसमें हम उनको एक uh, ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल देते हैं जैसे आपने देखा एक छोटा सा बच्चा जो इस सर्दी में देखो कि हम बड़े बड़े मतलब हैं कि भाई बाहर नहीं निकले ठंड है आप देख लीजिए इस बच्चे का जज्बा देख लीजिए इसने ये बोला कि खिलाड़ी को ठंड कुछ नहीं कर सकती इरादे है बर इरादे, वही है कि बोलते हैं ना कि जब आपके इरादे बुलंद होंगे तो कामयाबी तो आपके कदम चूमेंगे और टारगेट होना चाहिए और खास तौर वी हैव टू प्लान प्रोफेशनल मैनर में हमें प्रोफेशनल में प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम एक खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लाए अब हमारे पास हर एक फैसिलिटी है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं आप देख लीजिए कितने अच्छे लेटेस्ट इक्विपमेंट है और इन हमारी प्लानिंग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वाटर स्पोर्ट्स में जुड़े जो ना कि रियासत का बल्कि मुल्क का नाम रोशन करे और ये ओलंपिक इवेंट है इट्स अ फिफ्थ लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट है तो इसमें आपको आपने देखा होगा अगर हिस्ट्री भी देखी जाएगी कैनोइंग कनोइंगयाकिंग ने बहुत अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने ना कि यूटी का नाम बल्कि मुल्क का नाम रोशन किया है लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आपने चौधरी सर का नाम लिया जिस तरह से उन्होंने बड़ी इंटरेस्ट इसमें दिखाई तो मुझे लगता है कि यह सफर आज का नहीं आज से अगर हम पाँच सात साल पहले देखें तो आपको ज्यादा सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट का मिलना शुरू हुआ तो उससे कितना फायदा आपको और आपके स्टूडेंट्स को हुआ बिल्कुल सर देख लीजिए फ्रॉम लास्ट थ्री ईयर्स वी हैव 110 मेडल्स हमारे पास है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को लगा कि नहीं इस स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया बल्कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ जो नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नहीं बल्कि मानसमल में भी एक अच्छा सेंटर बनने जा रहा है और रंजीत सागर में काम स्टार्ट हो गया जितना इक्विपमेंट यहाँ आया वो जम्मू के लिए भी आया गवर्नमेंट के साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और अगर देखा जाएगा पी पैकेज में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा जमेंट मिली वाटर स्पोर्ट्स को आ, ये जो सेंटर आप देख रहे हो ये जो इक्विपमेंट देख रहे हो ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के ही वजह से हम इसको हासिल कर पाए बदले में आप क्या दे रहे हैं क्योंकि जब आप इक्विपमेंट आपके पास आ, हाई स्टैंडर्ड का हो सबसे अच्छा हो बेहतर हो तो आप आ, क्या देने जा रहे हैं वापस ताकि ये जो हमने सारी मेहनत वगैरह मरकज ने यूटी सरकार ने की है ताकि रिजल्ट जो है हमारा बेहतर आएगा क्या चंडीगढ़ नेशनल से पहले भी कुछ इवेंट्स हैं सर अभी प्लानिंग सिर्फ फोकस मेरा जूनियर का भोपाल वाला नेशनल है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इंडिया कैम्प में आए एंड द सेकेंड हमारा चंडीगढ़ वाला है उसका फोकस है और आ, आप देख लीजिए कि हमारे रियासत में ऐसा फैसिलिटी है और मेरा अब ज़्यादा मतलब रोल बनता है इसमें क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स को अगर दस साल पहले देखते तो ये चीज़ें नहीं थी मेरा रोल ये रहता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से खिलाड़ियों को प्रोफेशनल वे में ट्रेन करूँ ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आगे भी हम आज वाटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे इक्विपमेंट की बात करेंगे ऑगोमीटर की बात करें और खिलाड़ियों की बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माइनस टेम्परेचर में मेडिकल एडवाइस क्या कहती है क्या वाटर स्पोर्ट्स को इस तरह से प्रमोट करने के लिए मेडिकल एडवाइस क्या कहती है और किस तरह आपको अपना टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर जो है माइनस से प्लस में लाना होगा उस पर भी बातचीत करेंगे खिलाड़ी और खिलाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी आपको दिखाएंगे आज आप हफ्तावार बार शुमारे में सिर्फ और सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स की हम बात करेंगे ढल झील के आसपास में खिलाड़ियों से मिलवाएंगे और बिल्किस मीर से भी जो वाटर स्पोर्ट्स की क्वीन है जिन्होंने पंद्रह साल पहले ये ख्वाब देखा था इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इस तरह के मुकाबले हो जिन्होंने रुड़की से लेकर यूरोपियन तक बड़े अहम कैंपों में हिस्सा लिया बतौर जूरी भी इन्होंने काम किया किया और एक कामयाब और सक्सेसफुल नौजवान खिलाड़ी भी हैं कोच भी हैं डायरेक्टर भी हैं और गवर्नमेंट ने भी रेस्पॉन्ड में बहुत अच्छा दिया और हमारी आज बातचीत जो है वाटर स्पोर्ट्स पे ही जारी रहेगी बॉडी मूवमेंट ये दो है आपका वाटर कैच प्लस हिप मूवमेंट और एल्बो बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है जब मैं बोलूँगी स्पीड अप तब स्पीड अप करना है सो so, uh, मैं स्टार्ट करूँ आर यू रेडी रेडी सेट गो चलो चलो पूरा बॉडी मूवमेंट अगर इस ऑर्गोमीटर के बारे में मैं कहना चाहती हूँ थोड़ा आ, ये पहली बार ऐसा इक्विपमेंट हमारे पास आया आ, जैसे कि अगर आप देखोगे यूरोपीय नेशन में भी यही बिल्कुल विंटर रहता है और आ, हमारे गेम में प्योर स्ट्रेंथ होना एंडोरेंस होना बहुत ज़रूरी है पहले हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं था इसको कैनो ऑर्गोमीटर बोलते हैं इसको कयाक ऑर्गोमीटर कहते हैं कयाक जो है ये डबल ब्लेड वाला गेम है एंड सेटिंग पुशन है कैनो नीलिंग पुशन एंड सिंगल ब्लेड होता है इस मशीन की वजह से हम एक अपना टेक्निक सुधार सकते हैं प्लस आ, हम एंडोरेंस डेवलप कर सकते हैं और आ, जो करेक्शन हमें प्लेयर में करना लाइक बॉडी मोमेंट Uh, हमारा टेक्निक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है तो इस मशीन के थ्रू हम वो उनको सुधार सकते हैं ये पहली बार ऐसा लेटेस्ट इक्विपमेंट जो यूरोपियन uh, नेशंस में इस्तेमाल होता है वो जम्मू कश्मीर के पास है आज जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियन ओलंपिक चैम्पियन एशियन चैम्पियन वो इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं यहाँ के गवर्नमेंट का जिन्होंने ऐसा इक्विपमेंट वाटर स्पोर्ट्स में प्रोवाइड किया जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल होता है आप देख सकते हो विंटर का माइनस चल रहा है और विंटर है और इस मशीन के थ्रू बच्चा वर्कआउट कर सकता है बिकॉज एक जो हमारा प्लानिंग होता है प्रोफेशनल प्लानिंग उसमें क्या रहता है कि भाई आ, आपको साल भर का प्रोग्राम बनाना होता है तो इस मशीन से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और इनसे हम टेक्निक को सुधार सकते हैं जैसे मैं पहले बोला और आप देख सकते हो विंटर में अभी हम वर्कआउट कर सकते हैं अभी डल झील जमा हुआ है तो लाइक दो महीने हमारा ट्रेनिंग ऑफ रहता था बट इस मशीन से हम वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं जो हमें दो महीने हमारा ऑफ रहता था बट अब ऑर्गोमीटर्स हमारे पास आए तो हम अपनी टेक्निक, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस को डेवलप कर सकते हैं आज हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वाटर स्पोर्ट्स में अब आप किस तरह से दाखला पाएंगे और बिलकिस मेर हमारे साथ मौजूद रहेंगी और आप देख पाएंगे कि जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इस ढल झील में आसपास में हमारे प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं माइनस टेम्परेचर है इसके बावजूद भी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जुड़ने के लिए ये जो मुझे बताएं कि आपका ये जो मैदान है पानी से भरा है और आपने कहा कि वाइल्ड वाटर है हमारे पास नेचुरल वाटर जो है यह स्प्रिंग्स के पानी नहीं है बड़ी कुदरती पानी मुझे बताएं कि ये इनको कित कितने बजे क्लास शुरू हो जाते हैं और कितने बजे तक तो खत्म होता है और आगे क्या प्रोग्राम सर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि साल भर का हमारा पूरा प्रोग्राम बनाता बनाते हैं इस पर बेसिक प्रपरेशन प्रपरटी पीरियड और कंपटीशन पीरियड बेसिक प्रपरेशन में हमारा सिर्फ फोकस रहता है कि हम खिलाड़ी की स्ट्रेंथ एंडोरेंस पे काम करते हैं लाइक हमें जिम में भी जाना पड़ता है वीकली दो बार एंड देन एंडोरेंस के लिए हिल रनिंग आप देख लीजिए शंकराचार्य बिल्कुल हमारे नज़दीक है दस किलोमीटर का हमारा एंडोरेंस पैच उसमें रहता है और उसके अलावा हमारा पानी वाला मेन है बिकॉज बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग इज़ एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ मगर उसके अलावा आ, जैसे बच्चों को टेक्निक बाकी कोर्स प्रैक्टिस वो यहाँ पर हम करवाते हैं और हम हम बहुत लकी है हमारी आ, यूटी हमारे पास लॉन्ग ट्रेनिंग पैचेज है अगर हम नेहरू पार्क से स्टार्ट करेंगे hmm. पार्डलिंग जो हमारे ऑफ सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम निगीन तक कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने आई हैव मोर 25 yes, uh, कंट्रीज आज... से ज्यादा इस वाटर स्पोर्ट्स को देखा है बल्कि पिया है मुझे बताएं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बेस्ट है Uh, बिल्कुल सर इसी पे मैं आना चाहती हूँ जैसे मैंने बोला है विजिट मोर देन ट्वेंटी फाइव कंट्रीज़ उसमें मैंने इतना लंबा वाटर पैच कहीं नहीं देखा सेवन किलोमीटर आठ किलोमीटर आप पैडलिंग कर सकते हो लाइक इन केरला आप बोल सकते हो केरला में है मगर बैक वाटर्स कायाकिंग कैनोइंग के, के लिए स्टिल वाटर होना बहुत ज़रूरी है और जैसे ये ट्रैक यहाँ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हम कंडक्ट कर सकते हैं अगर आप बात करेंगे कायाकिंग कैनोइंग की हिस्ट्री जो है ये गेम अगर हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई तो इसी झील से स्टार्ट हुआ तो ऐसे वाटर फ्रंट्स मुझे लगता है हमारे कंट्री में कहीं नहीं जितना हमारे पास है हमारे लिए आप देख लीजिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर साइंटिफिकली देखा जाएगा हाई ऑल्टीट्यूड में जब ये बच्चे ट्रेनिंग करते हैं इसमें इनका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दहली भोपाल हरियाणा क्योंकि हम हाई ऑल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करते हैं इसमें ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अभी जो आप बोल रहे हो माइनस में हम प्रैक्टिस करते तो खिलाड़ी जो होता है उसके लिए माइनस बारिश बर्फ़ मायने नहीं रखता उसके सिर्फ एक लक्ष्य होता है एक टारगेट होता है जो हमने इस बार टारगेट रखा है कि जम्मू कश्मीर टीम एक बेस्ट टीम कंट्री में आनी चाहिए और ज्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे रियासत के एंटर करें इंडिया कैम्प में लाइक like, मैंने पहले ही बोला कयाकिंग कैनिंग इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट जिसमें बारह मेडल्स स्प्रिंट में है ओलंपिक्स में और चार इसमें वाइल्ड वाटर में है वाइल्ड वाटर की बात अगर करेंगे लेदर है या सोनमर्ग है वैसा आई हैव विजिट टोयोमा जापान में जापान से अच्छा ट्रैक हमारा सोनमर्ग में है और लेदर में है हम उसको भी डेवलप करेंगे हमारे पास वो इक्विपमेंट भी है जैसे आपने जिक्र किया क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल पे है यस yes. हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे बच्चे जो पाइडल इस्तेमाल कर रहे बोट इस्तेमाल कर रहे ये वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक जैसे चैंपियंस में ही जो होते हैं कंपटीशन उसमें इस्तेमाल होता है तो अपनी फिटनेस के बारे में बताइएगा और मेडिकल ओपिनियन अपने बारे में क्योंकि आपको हमने देखा माइनस प्लस टेम्परेचर में भी आप डल झील में नजर आई और खिलाड़ियों के साथ साथ रहीं अपना मेडिकल ओपिनियन और अपना जो आपका प्रैक्टिस सेशन रहता है वो किस तरह रहता है सर इसमें बाजबता हमारा प्रोफेशनल प्लानिंग होती है लाइक like, हमें हर एक एस्पेक्ट पे काम करना है. हमारा मेडिकली जैसे हमारा एक महीने का प्लान बनता है तो एक महीने में हम पूरा ब, एक तो इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखते हैं like, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी पे आप काम कर रहे हो तो आपको साइंटिफिक वे में इसमें करना है तो उसमें बाजा जब हम प्लान करते हैं प्लानिंग बनाते हैं उसमें हर एक चीज हर एक एस को हम फॉलो कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एस आई है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी एसओपी आया उनको फॉलो करते ही हम इस चीज को ले रहे हैं और दूसरा जैसे इवेंट्स जैसे हम प्रैक्टिस से पहले वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है वार्म अप किस लेवल का आप करवा रहे हो उसके बाद मेन जो आपका ट्रेनिंग होता है उसको कैसे करवा रहे ऑल मतलब प्रोफेशनल वे में हम उसको प्लान करके तभी हम खिलाड़ियों को ऑल अबाउट प्रैक्टिस ओनली और वी आर गोइंग टू सी सम टूर्नामेंट्स इन इन कमिंग डेज कश्मीर अभी uh, सर uh, मैं खुशखबरी आपको देना चाहती हूँ ये हमारे यूटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है इंडिया कैंप यहाँ लगने जा रहा है जो पटाया में मई में चैंपियनशिप होगी कंट्री के टॉप प्लेयर्स यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन करैकिंग कैनोइ फेडरेशन ने ऑलरेडी वेन्यू डिसाइड किया है नेक्स्ट इंडिया कैंप के लिए सर ये एंडिंग uh, फेबरवरी में होगा मार्च फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये कैंप लगेगा और ये प्रेपरेशन होगी पटाया में जो क्वालिफाइंग राउंड है टोकियो के लिए उसके लिए होगा और ये कैंप पहली बार जम्मू कश्मीर को so मिलेगा uh, uh, जो इंडिया के टॉप प्लेयर्स जैसे हमारी कंट्री का जो टीम रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में या टोक्यो में टोक्यो के लिए ओलंपिक क्वालिफाइंग ग्राउंड है ट्रेनिंग यहाँ होगी बिकॉज ऑलरेडी मैंने आ, एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हाई ऑल्टीट्यूड की जिक्र की यहाँ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा तो हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की जो टीम बनेगी वो यहाँ से बने और यहाँ से वो आकर वो कंट्री को ना कि क्वालिफाइंग राउंड बल्कि ओलंपिक पोडियम तक तो मुझे बताएं कि ये जो कश्मीर से स्कूल लेवल पे कितने पेमिशन या कितने इंटरेस्ट आपने देखी कि जो बच्चे विंटर्स में, ब्रेक है -19, पैंडेमिक के बाद, अब शायद शुरू जाए। तो कितना अभी स्कूल का आपकी तरफ रेस्पॉन्स रहा बिल्कुल सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा लाइक आई वॉज इन बर्मिंग करना चाहती हूँ स्कूल लेवल पे उनकी पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने की बात करो तो स्कूल लेवल पे हमें स्पोर्ट्स को कंपलसरी और फ़िज़िकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देना है जैसे मैंने बर्मिंगम में देखा तीन स्पोर्ट्स मैंने कंपलसरी देखे वहाँ स्कूल्स में वन इज़ जिमनास्टिक एथलेटिक्स एंड स्विमिंग क्योंकि इससे क्या होता है फिजिकल फिटनेस एक बच्चे में आता है और ये कंपलसरी है वहाँ पर तो यहाँ पर स्कूल uh, लेवल पे स्पोर्ट्स uh, को इंट्रोड्यूस करना और प्रोफेशनल कोचेज बिकॉज कोचिज़ आर द बैग विदाउट कोच आप आपके पास कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो बट आपके पास कोच नहीं होगा तो मुझे लगता हम वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे हमारी मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है न कि वाटर स्पोर्ट्स में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है आने वाले दौर में मुझे लगता है हम टक्कर देंगे हरियाणा बिकॉज हरियाणा को अगर देखा जाएगा हब ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है वहाँ से निकलते मगर हमें स्ट्रॉग पॉलिसी कहाँ करनी है स्पोर्ट्स में जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि स्कूल लेवल पर क्या हो रहा है स्कूल लेवल से ही हम प्लेयरों को निकाल कर ओलम्पिक स्टोडियम तक पहुँचा सकते हैं यूनिवर्सिटी को हमें इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए जैसे मैंने बर्मिंगम में देखा जितने भी ओलंपियंस निकलते हैं वो यूनिवर्सिटी के लेवल से निकलते हैं मगर यहाँ इंडिया में अगर देखा जाएगा सर्विसेज आर्मी एंड अदर या रेलवेज मगर यूनिवर्सिटी को आगे आना चाहिए स्कूल लेवल पे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होना है कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलें क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल जिमनास्टिक किसी भी फील्ड में आप जाए एक करिकुलम के लिए और करियर के लिए इस सर्टिफिकेट का वैलिड बहुत ज़रूरी है और एस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्याकिंग कनोइंग और उसके बाद आपके वाटर स्पोर्ट्स के दीगर जो फील्ड्स हैं कितना हेल्पफुल एक इंसान को प्रोफेशनल कैरियर बनाने में यह सर्टिफिकेट काम आती है सर आई विल टेल यू वन थिंग स्पोर्ट्स एक सर्टिफिकेट uh, के लिए या फिट फिटनेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इंसान को फिट रहना ही चाहिए मगर मैं कैनोइंग क्याकिंग की बात करूंगी कम से कम 200 बच्चे एस आर थ्री फोर में लगे हैं जॉब में जो बेचारे गरीब बच्चे जो जिनको पता भी नहीं था कि हमें इस स्पोर्ट्स से एक रोज़गार मिलेगा मेजोरिटी अगर देखा जाएगा आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो एस आर में सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर डिवीजन से बच्चे लगे वो वाटर स्पोर्ट्स से लगे जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है फाइनेंस डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में या बाकी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि college, college नहीं सर वाटर स्पोर्ट्स में अभी तक जितने भी है प्रोफेशनल खिलाड़ी निकले डॉक्टर नहीं है बट ये है कि खिलाड़ी मैं एक बात बताती हूँ सर लाइक आई वाज प्लेयर आपको चार घंटे ट्रेनिंग करना ही करना है आपको वो प्लानिंग करनी शायद पढ़ाई छूट जाती है लाइक like, मेडिकल में यू हैव टू बी एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट बट आप जब स्पोर्ट्स को एज अ करियर देखते हैं तो उसमें थोड़ा छूट जाता है बट ये है कि uh, एक खिलाड़ी जो होता है वो अपना नाम uh, गेम में भी कमा सकता है लाइक आई विल टेल यू वन थिंग सर एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एक डॉक्टर होगा ये एक आई ऑफिसर होगा वो एक एक स्टेट में या एक एक सोसाइटी में फेमस हो सकता है ये फ़लानी डॉक्टर है या फ़लानी आई पेस है मगर अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर बनते हो तो आप पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हो स्पोर्ट्स बाज़ार एक प्रोफेशन है जिसमें आप ना कि अपने यूटी में बल्कि पूरे मुल्क में नाम कमा सकते हो मुझे लगता है आने वाले दौर में आप देखोगे वाटर स्पोर्ट्स से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और पास्ट की हिस्ट्री भी जो रहेगी इस इस गेम ने अच्छे खिलाड़ी दिए हैं ना कि यूटी को बल्कि आ, कंट्री को भी दिए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आ, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का खासतौर हमारे प्रेसिडेंट का जिन्होंने एक ऐसी फैसिलिटी हमें दे दी अब हमारे पास सिर्फ ये है कि हम वो ओलंपिक पोडियम और एशियन गेम्स पोडियम तक कैसे पहुँचे थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत शुक्रिया बिलकिस मीर से आज मुकम्मल तफसील से हमने बात की मुकम्मल इसलिए कि हमने आज इक्विपमेंट के बारे में भी जानना चाहा और एस आर ओ थ्री फोर थ्री के बारे में जानना चाहा और हमने ये जाना चाहा कि स्पोर्ट्स को एज़ करियर के तौर पर भी देखा जा सकता है क्योंकि जब आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ गेमों के साथ जुड़ते हैं ताकि उनका जो एजुकेशनल करियर जो प्रोफेशनल करियर उनका है वो सक्सेसफुल रेट के साथ चले लेकिन वाटर स्पोर्ट्स में एक खासियत यह है कि आपने बेलटफोरस को काफ़ी खिलाड़ी जो हैं यहाँ से प्रमोट करके वो डिपार्टमेंट लेवल पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं बल्कि इस डिपार्टमेंट के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स का भी ख़ास ख्याल रखे हुए हैं तो दीजिए अपने साथ इमरान तारे के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे मुकम्मल करने की इजाजत अगले हफ्ते एक और शुमारे में एक और खेलकूद और उसके बारे में जानने की और कोशिश करते हैं